Hare Krishna. Dharmasya tattva nihita guhaya mahajano ena gathasapanta. So Devarshi Narad, ये एक बारह महाजनों में से एक महाजन है। वैसे देखा जाए तो सारे पुराणों और अन्य ग्रंथों में नारद जी यानी झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति ऐसे ही लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन देवर्षि नारद ये भगवान के अनन्य भक्त है। जैसे उनके नाम की जो व्युत्पत्ति है उसे हमें मालूम पड़ता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके जीवन का कार्य क्या है। नारद यानी जो भगवान श्री नारायण को प्रदान करते हैं, यानी जीव मात्रों को भगवान नारायण की जो भक्ति प्रदान करते हैं, उनको नारद कहा जाता है। तो इन बारह महाजनों में देवर्षि नारद का द्वितीय क्रमांक है। पहले स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी और उनके पश्चात देवर्षि नारद। भगवान की हर लीला को रोचक बनाने का कार्य नारद जी का है। जैसे हम रसायन शास्त्र में देखते हैं कि कोई रासायनिक प्रक्रिया जल्दी होने के लिए, शीघ्रता से होने के लिए एक द्रव पदार्थ या एक द्रव्य डाला जाता है जिसको प्रेरक कहा जाता है। तो भगवान की हर एक लीला में ये प्रेरक का कार्य नारद जी करते हैं। और हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे कई अनन्य भक्त बने हैं जिनके गुरु देवर्षि नारद हैं, जैसे कि महाराज ध्रुव, जिन्होंने अपने आयु के केवल पांचवें वर्ष में ही देवर्षि नारद के उपदेशों के कारण भगवान ऋषि गर्भ को उन्होंने प्राप्त किया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, देवर्षि नारद जी ने तो प्रहलाद महाराज जी को उनकी माता के गर्भ में ही शिक्षा प्रदान की। तो इससे आप सोच सकते हैं कि नारद जी के कार्य कितने विचित्र हैं और भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए वे कितने प्रेरक है, पोषक है। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को अपने कंठ से प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि आप जाइए और ये मेरा जो कार्य है प्रजोत्पादन करा, ये आप कीजिए, तो नारद जी ने साफ मना कर दिया। और जब नारद जी ने ये मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको शाप दिया कि आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो और पिता की आज्ञा का पुत्र को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपका 50 स्त्रियों के साथ विवाह। तो ब्रह्मा जी के शाप के कारण नारद जी को गंधर्व बनना पड़ा और जब वे गंधर्व बने तो उनका नाम था उपबरहन और बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। उनका सौंदर्य देखकर देवताओं की पत्नियां, गंधर्व कन्याएं, अप्सराएं, ये सारे लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। साक्षात कामदेव कि रति भी उनके प्रति आसक्त हो जाती थी। तो इतना सौंदर्य उनका था, वो देखकर गंधर्वों के राजा जो चित्ररथ थे उन्होंने अपनी 50 कन्याओं का विवाह उनसे करवा दिया। तो ब्रह्मा जी के शाप का यहां पर तो निर्वाह हो गया कि उपवरहन के 50 स्त्रियों के साथ विवाह हो। तो एक समय सारे महर्षियों ने, ऋषियों ने सोचा कि भगवान के लीलाओं के गुणगान के लिए एक सुंदर नृत्य नाटिका बनाई जाए। तो उन्होंने उस नाटिका में नारद जी जो कि उपबरहन थे
और बहुत ही सुंदर होने के कारण और नृत्य में और संगीत में भी विशारद होने के कारण उनको भगवान श्री कृष्ण का पात्र बनाया और उन्होंने श्री कृष्ण का रूप धारण करके वे अपना नृत्य कर रहे थे। और उसी समय कुछ कामासक्त देवियों ने, अप्सराओं ने उनके प्रति काम से पीड़ित या प्रणय से पीड़ित जो भाव होता है वो उत्पन्न करके उनकी तरफ दृष्टिक्षेप किया और उसी में उन्होंने उसका प्रत्युत्तर भी दिया। और इस ये रसाभास के कारण वहां के जो सारे ऋषिवर थे वे तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उपभरण को शाप दिया कि तुमने इस सुंदर भगवत लीला में भी अपनी मन की काम वासनाओं को प्रकट किया है और ये केवल क्षुद्र ही प्रवृत्ति के व्यक्ति कर सकते हैं, शुद्ध प्रवृत्ति के जीव कर सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ और वहां पे जाके शूद्र बन के पैदा हो। और उनके शाप के कारण ये उपभरण नारद जी जो थे वे एक ब्राह्मण के घर पे एक दासी के पुत्र करके उन्होंने जन्म लिया, लेकिन जन्म से ही वे जाति स्मर थे, इसलिए उनको याद था कि अपने पिछले दो जन्मों में उन्होंने जो अपराध किए उन अपराधों के कारणवश उनको यह जन्म प्राप्त हुआ। और इसलिए इस जन्म में बाल्यावस्था से ही वे भगवान की और भगवत कथा में आसक्त हो गए और दैववश भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर में चातुर्मासिक के लिए कुछ महात्माएं आए थे जो निरंतर भगवान की कथाएं करते थे कि जैसे भगवत गीता में भगवान बताते कि मेरे जब भक्त इकट्ठे आते हैं तो वे क्या करते हैं, बोधयन्ति परस्परम, वे एक दूसरे को उपदेश करते हैं, बोध करते हैं। क्यों? मत चिता मदगत प्राणा, क्योंकि उनका चित्त और मन उनके प्राण मुझ में ही होते हैं। तो वैसे ही वे महात्मा भगवान की लीलाओं में तत्पर, कथाओं में तत्पर थे और उनके मुख से ये श्रवण किया करते थे और उस ब्राह्मण ने उनको सेवा दी थी कि इन महात्माओं के जो उच्छिष्ट है उनको ले जाना, वहां का स्थान साफ करना। तो उन महात्माओं के आज्ञा से ही वे उच्छिष्ट को ग्रहण करते थे और उसी उच्छिष्ट ग्रहण से ही, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तीन चीजें जो हमारी भक्ति बढ़ा सकते हैं भगवान के प्रति, एक तो है भक्त पद धूलि यानी भक्तों के चरणों की रज, भक्त पद जल भक्तों के चरण धोए हुए जल और भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। भक्तों ने भोजन किए करने के पश्चात जो भी कुछ बचता है उनका उच्छिष्ट वो भक्ति के लिए बलवान है, भक्ति दे देता है। और नारद जी ने इसी उक्ति के अनुसार उन महात्माओं के द्वारा उच्छिष्ट जो छोड़ा जाता था उसे ग्रहण किया और उनके मन में भी भगवान के कथा के प्रति, लीला के प्रति आसक्ति निर्माण हुई। और जब चातुर्मास्य समाप्त हुआ तो सारे महात्मा निकल गए वहां से, तो देवर्षि नारद जो कि उस समय उस दासी के पुत्र के रूप में थे वो मन में सोचने लगे कि मुझे इन महात्माओं के चरणों का ही अनुगमन करना है। मन में वैसा सोच ही रहे थे उसी समय उनकी माता सर्प के दंश के कारण देह त्याग कर ली। फिर वे उन महात्माओं के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाने लगे और भगवान ने उनको कुछ क्षणों के लिए अपना दर्शन दिया, उसके पश्चात अदृश्य हो गए। तो फिर वो बालक यहां वहां ढूंढने लगा, तब आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम इतना ही भगवान का दर्शन कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी इतनी ही पात्रता है, लेकिन इसके आगे जन्म में तुम नित्य निरंतर भगवान की लीला
भगवान की कथा और भगवान के रूप गुण इनकी प्रचार और प्रसार करते हुए घूमोगे। और फिर उसी समय उन्होंने वो शरीर का त्याग किया और वे फिर अपने मूल शरीर में देवर्षि नारद के रूप में निरंतर सर्वत्र विचरण करने लगे। और उनके व्यवहार से हमें मालूम पड़ता है कि निरंतर घूमते हुए अपने कार्य में रत रहते हुए भगवान का हमें स्मरण कैसे करना है। उन्होंने कई जीवों का भक्त बनाया, जैसे कि प्रजापति दक्ष ने जो पहले अपने संतान को जन्म दिया और तपस्या के लिए भेजा तो नारद जी ने उनको उपदेश करके वैरागी बना दिया। शबालस्व, हरियश्व, ऐसे कई पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया और सबको नारद जी ने वैरागी बना दिया। तो उससे दक्ष प्रताप प्रजापति जो थे वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया कि आप कहीं पे भी एक मुहूर्त से या आधे मुहूर्त से ज़्यादा रुक नहीं सकते। और इसी कारण हम देखते हैं कि 12 महाजनों में से ये एक ऐसे महाजन है जो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और भगवान की लीलाओं का प्रसार प्रसार करते रहते हैं। तो हर एक जीव के जीवन का लक्ष्य ही है कि भगवान के लीलाओं का प्रचार और प्रसार करना, और ये हमें नारद जी के व्यवहार से, उनके आचरण से दिखाई देता है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र करके एक ग्रंथ लिखा है जिसमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण, इनकी भक्ति कैसी और क्यों करनी चाहिए इसका वे पूरी तरह से वर्णन करते हैं। नारद जी ने नारद पंचरात्र नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया है जिसमें भगवान के विग्रहों की सेवा, उनके उत्सव किस प्रकार से मनाए जाने चाहिए उसका पूरी तरह से वर्णन है। तो देवर्षि नारद, इनकी कई कथाएं हैं और सारी कथाओं का उद्देश्य एक ही है कि भगवान के लीलाओं में शीघ्रता और रोचकता लाए। तो इन 12 महाजनों में से ये सबसे जाने माने महाजन हैं कि हर एक व्यक्ति के नाम से ही इनको जान सकता है। देवताओं में ऋषि जैसा व्यवहार करने वाले ये देवर्षि है और भगवान श्री नारायण को सब जीवों को वे प्रदान करते, इसलिए उन्हें नारद कहा जाता है। हरे कृष्ण।